पोषण एवं स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट, इसमें मोनोसेक्राइड हो गया था। हम ओलिगोसेक्राइड के बारे में बात कर रहे थे। जो ओलिगोसेक्राइड होता है उसमें शुगर की मात्रा जो होती है 2 से 9 होती है, और इसके कई टाइप्स होते हैं, यानी 2 से 9 तक इसके टाइप्स होंगे। तो जो 2 होता है डाईसेक्राइड, इसमें शुगर की मात्रा जो होती है वह 2 होगी। ट्राईसेक्राइड में शुगर की मात्रा 3 होगी। टेट्रासेक्राइड में 4 होगी। पेंटासेक्राइड में 5 होती है। डाईसेक्राइड इसमें शुगर 2 होती है। इसका उदाहरण लैक्टोज, मल्टोज, सुक्रोज होता है। ठीक है, लैक्टोज, मल्टोज, सुक्रोज होता है। अब ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज जब मिलता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या है, मोनोसेक्राइड है। ठीक है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब मिलता है तो क्या बनता है, लैक्टोज बनता है। ये पेपर में पूछा जाता है कि लैक्टोज कैसे बनता है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से लैक्टोज बनता है। और जो लैक्टोज होता है इसे दूध शर्करा भी कहा जाता है, मिल्क शुगर कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, C12H22O11+H2O। ये कैसे हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 और गैलेक्टोज का C6H12O6 होता है। दोनों जब मिलते हैं तो कितना बनेगा, C12H24O12। ठीक है, यहाँ पर H2O जब निकलता है तो C12H22O11 होता है, जल का एक अणु निकल जाता है। ठीक है, अब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जब मिलते हैं तो क्या बनेगा, मल्टोज बनता है, मल्टोज। और ये भी क्या होता है, डाईसेक्राइड होता है। और मल्टोज किस में पाई जाती है, उबले हुए चावल के पानी में पाई जाती है। और मल्टोज का भी फॉर्मूला सेम लैक्टोज के समान ही होता है। ठीक है, इसके बाद डाईसेक्राइड का एक अन्य उदाहरण है जिसको क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। और ये सुक्रोज कैसे बनती है, जब ग्लूकोज का एक अणु फैक्टोज का अणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। सुक्रोज का फॉर्मूला भी लैक्टोज और मल्टोज के समान ही होता है। और सुक्रोज को क्या कहते हैं, घरेलू चीनी, हाउस होल्ड शुगर सुक्रोज को कहा जाता है। टेबल शुगर भी सुक्रोज को कहा जाता है। कैन शुगर भी सुक्रोज को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम ओलिगोसेक्राइड का जो डाईसेक्राइड थे उसके बारे में तो पढ़ लिया। अब ट्राईसेक्राइड यानी 3, तो ट्राईसेक्राइड में कितने शुगर के अणु होंगे, 3 होंगे। और इसका उदाहरण है मल्टोट्राईओस। ठीक है, और ये मल्टोट्राईओस किससे मिलकर बनता है, ग्लूकोस यानी ग्लूकोस के 3 अणु मिलकर क्या बनाते हैं, मल्टोट्राईओस। यानी शुगर के कितने अणु हैं, 3, इसलिए ये क्या है, ट्राईसेक्राइड है। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ग्लूकोस तो किस क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6 इक्वल। ठीक है, यहाँ पर देखिए, और ये किस में पाया जाता है, केक और ब्रेड में पाया जाता है। ठीक है, ये टोटल हुआ, जब 3 अणु जोड़ेंगे तो ये टोटल होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, जल का 2 अणु बाहर निकलेगा, तो 36 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 32, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण ट्राईसेक्राइड का। ठीक है, ट्राईसेक्राइड का दूसरा उदाहरण है रेफिनोज। इसमें भी शुगर की मात्रा कितनी होती है, 3 होती है, किंतु याद रखिएगा जो रेफिनोज होता है उसमें ग्लूकोज, फैक्टोज और गैलेक्टोज के एक एक अणु होते हैं। ये ग्लूकोज, फैक्टोज और गैलेक्टोज क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड होते हैं। इनके एक एक अणु किस में होते हैं, रेफिनोज में होते हैं। और इसका फॉर्मूला भी सेम किसके जैसा होगा, मल्टोट्राईओस की जैसा होगा। बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जल का 2 अणु निकलेगा, डाईसेक्राइड में जल का 1 अणु निकलता था। ठीक है, और ये किस में पाया जाता है, रेफिनोज में। सूत्र क्या है, बीन्स, पत्ता गोभी और ब्रोकली है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए टेट्रासेक्राइड यानी जिसमें शुगर की मात्रा कितनी होगी, 4 होगी, उसको क्या कहेंगे, टेट्रासेक्राइड कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, स्टेकायोज। ये किस में पाया जाता है, स्टेकायोज पीली पत्तियों पाया जाता है। ठीक है, स्टेकायोज में कितनी शुगर, 4 शुगर। तो रेफिनोज में कितनी शुगर, ये किससे मिलकर बना होता है, स्टेकायोज, रेफिनोज और गैलेक्टोज से। ठीक है, रेफिनोज और गैलेक्टोज से। तो रेफिनोज में कितनी शुगर थी, 3 थी, कौन कौन सी थी, ग्लूकोज, फैक्टोज और गैलेक्टोज। और यहाँ पर एक और है गैलेक्टोज, तो इसका कितना, 1, तो 3 और 1 4। ठीक है, इस प्रकार इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे, कितना, C6H12O6। ठीक है, तो टोटल कितना होता है, इतना होगा C24H48O24। ठीक है, यहाँ पर जल का कितना अणु निकलेगा, 3 निकलेगा। याद रखें टेट्रासेक्राइड में जल के कितने, टेट्रासेक्राइड में जल के कितने अणु, 3 अणु निकलेंगे। तो सूत्र क्या हो जाएगा, C24H42O
21, ठीक है। उदाहरण याद रखिएगा, टेट्रासैकेराइड का स्टेक आयोज होता है। पेंटासैकेराइड, इसमें ग्लूकोज के अणु कितने होंगे, 5 होंगे। या शुगर के अणु कितने होंगे, 5 होंगे पेंटासैकेराइड में, ठीक है। इसलिए क्या बोला जाता है, पेंटासैकेराइड। इसका उदाहरण क्या है, बर्बी क्रॉस। ये किस में पाया जाता है, दालों में पाया जाता है। और ये कैसे बनता है ये भी देखिए, ग्लूकोज का एक अणु, फैक्टोज का एक अणु, गैलेक्टोज का 3 अणु। ग्लूकोज एक, फैक्टोज एक, गैलेक्टोज 3, तो कितने हो गए टोटल, 5 हो गए, ठीक है। और पॉलीसेक्राइड में कितने शुगर पाए जाते हैं, 10 से अनंत तक पाए जाते हैं। यानी कम से कम कितने, 10 शुगर मॉलिक्यूल्स, और अधिक से अधिक अनंत होते हैं, यानी कि आप इसे गिन नहीं सकते हैं। पॉलीसेक्राइड 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है होमो यानी सम पॉलीसेक्राइड, दूसरा होता है हेटेरो या विषम पॉलीसेक्राइड। तो सम पॉलीसेक्राइड केवल कार्बोहाइड्रेट के बने होंगे, ठीक है। जो सम पॉलीसेक्राइड होंगे केवल कार्बोहाइड्रेट के बने होंगे, लेकिन जो विषम पॉलीसेक्राइड होते हैं वे प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों के बने होंगे, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, होमोसेक्राइड भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। यानी होमोसेक्राइड ऐसे सेक्राइड, ऐसे पॉलीसेक्राइड जो कि केवल कार्बोहाइड्रेट के बने होंगे उसे होमो यानी समान सेक्राइड कहते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक, जो संरचना का निर्माण करेगा, और स्टोरेज यानी संचित, जो भोज पदार्थ को स्टोर करने का कार्य करेगा, ठीक है। तो इसके आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।